Assalamu alaikum viewers, what's going on? This is me, Humayz Ali, and welcome back to my channel, In-Depth Reviews. यार अगर आप लोग भी जो है वो नोकिया 6.2 के रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर आप लोगों को नोकिया 6.2 के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी ओवरऑल सारी चीज़ें तो जो है वो नहीं डिस्कस कर सकते हम ही, क्योंकि अभी उसके बारे में लीक्स या कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिली। तो जब भी देखने को मिलेगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन जो चीज़ आज मुझे मिली है वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम नोकिया 6.1 के बाद क्या 6.2 पर अपग्रेड करेंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को क्या वो वाकई ही में लेना चाहिए। तो बगैर टाइम जाया किए करिए फिर शुरुआत। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो है वो मैं नोकिया 6.2 की जो है वो कुछ रेंडर्स दिखाऊंगा। अब यहाँ पर ये जो इमेजेस होंगी ये महज रेंडर्स हैं और लीक्स वगैरह हैं। अब हो भी सकता है कि नोकिया 6.2 हमें ऐसा ही देखने को मिले, और अगर ये ऐसा ही देखने को मिलेगा तो मेरे लिहाज से पर्सनली ये सेल फोन काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, मतलब लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नोकिया 6.1 ने अपनी काफ़ी अच्छी मार्केट बनाई है और लोग उसको काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि ये सेल फोन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है दूसरे सेल फोन्स की निस्बत है। तो ऐसा ही जो है वो नोकिया 6.2 के अंदर भी कुछ हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आप लोगों को जो है वो नॉर्मली सेल फोन्स के अंदर देखने को मिलती हैं, लेकिन नोकिया को आप लोगों को पता है कि पायदार चीज़ें होती हैं तो इस वजह से लोग ज़रा ज़्यादा जो है वो नोकिया की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि इसकी डिस्प्ले आप लोगों को 6.3 इंचज़ की मेरा ख्याल है डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अब ये जो डिस्प्ले का साइज़ है ये अभी महज रेंडर्स हैं और लीक्स हैं, अभी कन्फर्म जो है वो डिस्प्ले का साइज़ नहीं देखने को मिला। तो 6.3 का जो है वो आप लोगों को 6.3 इंचेस की आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिलेगी। कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, लेकिन आईपीएस तो आप लोगों को टच देखने को मिलेगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आप लोगों को जो है वो पंच होल डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। अब इससे पहले हमें ये डिस्प्ले देखने को मिल चुकी है गैलेक्सी S10 के अंदर, A8s के अंदर और मतलब नोवा वगैरह के अंदर हमें ये डिस्प्ले देखने को मिल चुकी है, लेकिन इसके बाद हमें दूसरी किसी भी थर्ड जो है वो कंपनी ने इस तरह की डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं की। तो अगर कम पैसों में आप लोगों को इस तरह की डिस्प्ले देखने को मिल जाए तो मतलब और क्या चाहिए। तो मतलब लोगों को जो है वो नोकिया के अंदर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, पंच होल डिस्प्ले, और बैक पर आप लोगों को ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। अब मेरा ख्याल है कि ये जो सेटअप है ये 12 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल का जो है वो आप लोगों को कैमराज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और उसी के साथ साथ आप लोगों को फ्लैश और फिंगरप्रिंट स्कैनर की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। बैटरी के जो लीक्स हैं वो अभी तक इसके जो है वो सामने नहीं आए तो मैं आप लोगों के साथ बात नहीं कर सकता। इतना बता सकता हूँ कि 4 GB रैम और इसके अंदर आप लोगों को मेरा ख्याल है 64 GB बिल्ट इन मेमोरी देखने को मिलने वाली है। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को 4 GB रैम और 64 GB बिल्ट इन होगी या 32 GB, तो आप लोगों को इसके प्राइस क्या देखने को मिलेंगे? वेल, इसके प्राइस अभी जो है वो एक्सपेक्टेड प्राइस आ रहे हैं पाकिस्तान में कि आप लोगों को ये सेल फोन करीब जो है वो 35 से 40 के दरमियान देखने को मिलेगा, लेकिन जो लोगों के रिव्यूज़ हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि जब ये सेल फोन आएगा तो 45 का होगा, 50 का होगा, कोई ऐसे मतलब कह रहा है कि क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी लगाई गई हैं जो हमें दूसरे एक हाई एंड डिवाइस के अंदर देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए जो है वो इसके प्राइस लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे। लेकिन अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये सेल फोन जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा तो लगा है, लेकिन अगर इसके प्राइसेस जो हैं वो 30, 35 या 40 के राउंड अबाउ यानी 30 से 40 के दरमियान में कहीं भी होते हैं तो पर्सनली ये सेल फोन मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि एक तो ये नोकिया का सेल फोन होगा और उसी के बाद इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी प्रोवाइड की गई हैं ऐसी जो कि आप लोगों को 30 से 40 के दरमियान वाले सेल फोन के अंदर देखने को नहीं मिलती नॉर्मली। तो मज़ीद जो है वो अभी सेल फोन के ऊपर बात करने के लिए है नहीं, तो सिर्फ आप लोगों को जो है वो एक क्विक लुक देना था नोकिया 6.2 का कि नोकिया 6.2 जो है वो बहुत जल्द आने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा धूम मचाएगा मार्केट के अंदर अगर ये इसी प्राइस रेंज के अंदर आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर दें, और उसके आगे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।